बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। हम लोग कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 11 कर रहे थे, जो था आपके पास डिसीजन कंस्ट्रक्ट। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में कंट्रोल स्ट्रक्चर रीड किया था, आगे से उसकी फर्दर टाइप्स की थी, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड रिपीटेशन। ठीक है, इसके बाद हमने सीक्वेंस तो कर लिया था, लेकिन हम सिलेक्शन कर रहे थे जिसका हमने जिसकी फर्स्ट टाइप हमने की थी इफ। आज हमने नेक्स्ट जो हमारे पास मेन टॉपिक है वो है इफ एल्स। ठीक है, ये भी इसी की है, सिलेक्शन में। इफ एल्स में क्या है, इस स्टेटमेंट में क्या था कि आपको कंडीशन दी जाती थी, अगर ट्रू होगी तो वो स्टेटमेंट आपकी प्रिंट हो जाएगी, और अगर ट्रू नहीं है, अगर फॉल्स है, तो आपका प्रोग्राम जस्ट एंड हो जाएगा। इफ एल्स में क्या होगा कि आपके पास दोनों में स्टेटमेंट होगी, इफ के साथ भी स्टेटमेंट होगी और आगे एल्स के साथ भी स्टेटमेंट होगी। अगर आपका आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों केसेस में आपकी कोई ना कोई स्टेटमेंट प्रिंट आउट होगी। इफ एल्स की डेफिनेशन क्या है, इट इज अनदर टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड टू मेक टू वे डिसीजन। ठीक है, इसका मतलब है कि ये क्या है, इफ की स्टेटमेंट जो है एक और टाइप है उसकी, और इसमें क्या है, हम दोनों तरह से जो है डिसीजन ले सकते हैं। यानी कि अगर आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू हो तब भी आपकी कोई स्टेटमेंट प्रिंट होगी, और अगर फॉल्स हो जाती है उस केस में भी आप कोई ना कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं। यानी कि इफ के साथ आप पहले कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसके नीचे आगे आप प्रिंट टाइप में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं जो आप प्रिंट करवाना चाहते हैं ट्रू के केस में। अगर आपका आंसर फॉल्स हो जाता है तो एल्स के साथ नीचे आप जो है प्रिंट टाइप की स्टेटमेंट यूज करके वहां पर आप कोई ना कोई अपनी वर्डिंग लिख सकते हैं जो कि आप फॉल्स के केस में प्रिंट करवाना चाहते हैं। सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब यानी कि इसका कोई ना कोई फार्मूला होता है लिखने का तरीका, तो वो आपके पास क्या है कि आप लिखेंगे सबसे पहले इफ, इफ के बाद आपके पास है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर कंडीशन है। कंडीशन मतलब कोई भी आप कंडीशन दे सकते हैं, जैसे ग्रेटर देन, इक्वल, कुछ भी आप कंडीशन दे सकते हैं। और स्टेटमेंट में क्या होगा, यहाँ पर आपके पास प्रिंट टाइप का फंक्शन यूज होगा, और आगे इन्वर्टेड कॉमा में आप जो जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहिए आपकी अपनी चॉइस है, या आपको प्रोग्राम में बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो है वो स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे। अब ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो तब आपकी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, लेकिन जब आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस केस में क्या होगा कि ये स्टेटमेंट आपकी स्किप हो जाएगी, वो एल्स पर आ जाएगा, और एल्स के साथ जो स्टेटमेंट होगी वो आपके पास प्रिंट हो जाएगी और आपके पास प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसका नेक्स्ट देखिए फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है, डायमंड शेप जो है ये आपको बताते हैं कि आपको कंडीशन दी जाती है इसमें, या डिसीजन दिया जाता है जिसमें कंपाइलर ने आपके पास डिसीजन लेना होता है। कंडीशन है, कंडीशन में अब ये देखिए ये एरो आपका इस तरफ जा रहा है स्टेटमेंट की तरफ, और यहाँ पर आपको स्कूटी नजर आ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट आपकी प्रिंट होगी, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है, यहाँ पर ये एक्स नजर आ रहा है आपको, तो आपकी उस केस में ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, ये आपका पोर्शन जो है वो स्किप हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट आपकी प्रिंट होगी, और ये जो पोर्शन होगा वो आपका स्किप हो जाएगा, और डायरेक्टली वो एंड पर आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम नंबर है आपका 11.4। इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड फाइंड वेदर इट इज इवन और ऑड यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है, उसके बाद उन्होंने कहा है दैट इनपुट्स क्या करे, इनपुट्स मतलब यूजर से ले वो नंबर, सिर्फ अ नंबर है तो यहाँ पर यानी कि सिर्फ आपने एक नंबर इनपुट करवाना है। उसके बाद दूसरी उन्होंने बात कही है एंड फाइंड वेदर इट इज इवन और ऑड, कि फिर आपने क्या करना है कि वो नंबर जो यूजर इंटर करेगा उसको चेक करवाना है कि वो इवन है या फिर ऑड है। अब दो कंडीशन आ गई हैं, दो केसेस आ गए हैं कि अगर इवन है तब भी उसे प्रिंट करवाना है कि वो नंबर इवन है, और ऑड है तो उस केस में भी आपने उसे शो करवाना है कि वो नंबर ऑड है। और नेक्स्ट उन्होंने बता दिया कि आपने कौन सा जो है वो स्ट्रक्चर यूज करना है इफ एल्स स्टेटमेंट का, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले अब इवन या ऑड नंबर हो। अब नॉर्मली हम जब नंबर देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो इवन या फिर ऑड होता है, लेकिन इसके लिए कंप्यूटर में हमें उसे कोई ना कोई कंडीशन देनी पड़ती है, तो वो कंडीशन आगे हम प्रोग्राम में देखते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर देखें हैश इंक्लूड के साथ हमने दोनों हेडर फाइल अटैच कर ली है, यहाँ पर सुडो डॉट एच है, और फिर नीचे है आपके पास कुनियो डॉट एच, उसके बाद है वाइड मेन, इसके आगे ब्रैकेट है वो आपके पास क्लोज है, और नेक्स्ट आपके पास कर ली ब्रैकेट स्टार्ट हो गई। उसके बाद अब हमने एक नंबर इंटर करवाना है, और नंबर हमारे पास जो है वो इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए हमने क्या किया है,
इन डेटा टाइप लिए, क्योंकि हमारे पास हमने जो है नंबर पॉइंट में इंटर नहीं करना, अगर हमने पॉइंट्स में इंटर करना होता तो हम जो है फ्लोट डेटा टाइप लेते, लॉन्ग डबल कुछ भी लेते, लेकिन अब सिंपल परफेक्ट नंबर है तो परफेक्ट नंबर के लिए हम जो है इंटीजर डेटा टाइप लेते हैं। इंटीजर डेटा टाइप ले ली हमने और नेक्स्ट ही हमने क्या कर लिया है, एन ले लिया। एन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वेरिएबल का नेम है। मैंने यहाँ पर एन लिया, आप इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हैं। लास्ट में हमने टर्मिनेटर लगा दिए जिसको सेमी कॉलन भी कहा जाता है। अगर आप ये यूज नहीं करेंगे तो आपके प्रोग्राम में सेंटेक्स एरर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है, आपके पास क्लियर स्क्रीन फंक्शन। क्लियर स्क्रीन फंक्शन जो है ये क्या करता है, आपके प्रोग्राम पर अगर पहले प्रोग्राम के आउटपुट में कोई पहले से आउटपुट शो है तो वो उसे क्लियर कर देगा और देन आपका जो नेक्स्ट आउटपुट होगा जस्ट उसे रिप्रेजेंट करेगा। अब नेक्स्ट आपने यूजर से नंबर इनपुट करवाना है तो उसके लिए पहले आपने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज की है, उसके अंदर आपने इन्वर्टेड कॉमा में लाइन लिखी है एंटर अ नंबर। जैसे ही आपका प्रोग्राम एंड होगा, आप कंपाइल करने के बाद उसे रन करेंगे तो रन करते ही आपकी जो सबसे पहले लाइन प्रिंट होगी वो होगी एंटर अ नंबर, जिससे यूजर को पता होगा कि उसने कोई एक नंबर या दो नंबर जो भी उसकी अपनी चॉइस है कि वो वन डिजिट नंबर एंटर करे या टू डिजिट या थ्री डिजिट, वो उसने खुद एंटर करना है तो वो एंटर करवाएगा। लेकिन वो कैसे एंटर करवाएगा, जब हम स्कैनएफ का फंक्शन यूज करेंगे। स्कैनएफ का फंक्शन हमने यूज कर लिया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप थी। इंटीजर डेटा टाइप में क्या था आपके पास कि यहाँ पर आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है मॉडुलस डी। ये किस लिए यूज होता है, इंटीजर डेटा टाइप के साथ आपके पास यही फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है। नेक्स्ट कॉमा है, कॉमा के बाद है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर यानी कि वो मेमोरी में जाकर बताएगा कि वो नंबर जो यूजर ने एंटर करना है वो कहाँ पर स्टोर करना है। मेमोरी लोकेशन देगा ये और आगे मेमोरी में आपने जो है वो नेम किस नेम से स्टोर करवाया, जो नेम आपने यूज किया है वो है एन। तो एन में जाकर आपने वो जो यूजर नंबर एंटर करेगा वो स्टोर करवाना है तो वो इससे इसके थ्रू होगा। और लास्ट में आपके पास सेमी कॉलन। और नेक्स्ट अब देखिए, यहाँ तक अब नंबर एंटर हो गया। अब यहाँ पर इसके बाद हमने इफ एल्स की स्टेटमेंट यूज करनी है। पहले अब यहाँ पर जस्ट हमने लिखना है इफ, इफ के बाद आपके आगे पैरेंथेसिस। अब नॉर्मली अगर हम कोई नंबर एंटर किया जाए तो हमें पता होगा कि वो इवन है या ऑड है, लेकिन कंप्यूटर में हमें कैसे पता चलेगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, अगर जो नंबर एंटर किया गया है उसको 2 से डिवाइड करें और लास्ट में रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाए तो वो नंबर आपके पास इवन होगा, और अगर लास्ट में रिमाइंडर 0 से हटकर आ जाए यानी कि 1 आ जाए तो तब क्या होगा, आपके पास वो नंबर ऑड होगा। तो यहाँ पर आपने कंडीशन लगा दी है एन मॉडुलस 2। एन मॉडुलस 2 जो है वो आपके पास रिमाइंडर होता है जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। अब एन में जो है वो आपका वो नंबर स्टोर होगा मॉडुलस, और लास्ट वीक जो है वो 2 है। ये अब आपकी कंडीशन है। प्रिंट एफ में आपने क्या किया, अगर तो अब ये इसका रिजल्ट ट्रू आता है तो ट्रू के केस में क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर और इज इवन नंबर, जो एन में जो है आपका नंबर स्टोर होगा वो प्रिंट होगा और साथ में लिखा जाएगा कि वो नंबर जो है इवन है। अब पहले जो हमने पिछले लेक्चर में प्रोग्राम किया था वो जस्ट यहाँ तक था कि हमने इसके बाद गेट सेज का फंक्शन यूज किया था और आपका प्रोग्राम एंड हो गया था। लेकिन अब क्या होगा कि अगर आपका प्रोग्राम की यहाँ पर जो आपकी कंडीशन है वो फॉल्स होती है तो उस केस में क्या होगा, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एल्स का। एल्स यानी कि अगर ये फॉल्स होती है तो उस केस में यहाँ पर जो आपकी स्टेटमेंट हो वो प्रिंट हो जाए। तो प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर, नेक्स्ट आपने लिख दिया है इज ऑड, यानी कि वो नंबर प्रिंट होगा और नंबर के आगे लिखा जाएगा कि वो नंबर ऑड है। ये किस केस में होगा, जब आपके पास उसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा, 0 से हटकर कोई नंबर आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो नंबर ऑड है। और लास्ट में गेट सीएच का फंक्शन यूज और आपका प्रोग्राम एंड हो गया। लास्ट में सेमी कॉलन आपने मिस नहीं करने, अगर मिस किए तो आपका जो सेंटेक्स एरर आ जाएगा। इसकी जो स्टेटमेंट है इसमें आप जो पैरेंथेसिस है इसके बाद सेमी कॉलन यूज नहीं करते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं। नेक्स्ट अब देखिए हम इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट अब जैसे यहाँ पर देखिए, हमने सबसे पहले लिखा था कि प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, तो आपका जैसे ही प्रोग्राम एंड होगा तो आपकी ये लाइन एज इट इज आ जाएगी यहाँ पर एंटर अ नंबर। उसके बाद क्या होगा, अब बुक पर आपका जो है आई थिंक 2 या 4 आई डोंट नो क्या नंबर था, लेकिन मैंने यहाँ पर नंबर एंटर किया है 15, ठीक है। 15 नंबर अब हमने एंटर कर दिया तो क्या होगा, मेमोरी में जो आपने लोकेशन दी हुई थी एन के नाम से रिप्रेजेंट किया हुआ था उसे, वहां पर क्या आ जाएगा, आपका नंबर आकर स्टोर हो जाएगा।
यहाँ तक आपका प्रोग्राम हो गया सॉल्व। नेक्स्ट आगे आपने कंडीशन दी हुई थी n मॉडुलस 2 की, n मॉडुलस 2 यानी कि आपका जो नंबर है n, n में अब आपका क्या स्टोर है 15, तो 15 को 2 से डिवाइड करेंगे और जो लास्ट में रिमाइंडर होगा वो आपका 0 के इक्वल आना चाहिए, और अगर नहीं आएगा तो उस केस में आपकी ये लाइन प्रिंट होगी। हमने 15 को डिवाइड किया 2 से, 2 7 जार 14, तो रिमाइंडर आपका 1 आ गया, लेकिन यहाँ पर कंडीशन थी कि वो आपके पास 0 हो, तो 0 नहीं होने के केस में क्या हुआ, आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो जो कंपाइलर होगा वो इस स्टेटमेंट को स्किप कर देगा, नेक्स्ट वो एल्स की तरफ चले जाएगा, और एल्स में आपके पास प्रिंट टाइप में क्या स्टेटमेंट पड़ी हुई है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर डेटा टाइप के लिए, और यहाँ पर एन है। अब यहाँ पर एक ही फॉर्मेट स्पेसिफायर है तो आपके पास एक ही वेरिएबल एंटर होगा, तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल हमने लिया, वो था एन में आपके पास जो नंबर स्टोर था वो था 15, वो आपका यहाँ पर एंटर हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा था इज ऑड, तो वो एज इट इज यहाँ पर आपका प्रिंट हो जाएगा। अब ये आपको बता रहा है कि जो आपने नंबर एंटर किया था वो ऑड है, और अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती यानी कि यहाँ पर 15 की जगह कोई इवन नंबर आ जाता तो यहाँ पर आपका वो नंबर और आगे लिखा जाता इज इवन। आपका ये प्रोग्राम एंड हो गया। अब आपका होम टास्क जो है वो ये है, पेज नंबर 296, उस पर आपके तीन प्रोग्राम्स है 11.5, 11.6 और 11.7, ये तीनों प्रोग्राम्स है ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, और वहाँ पर जो वैल्यूज दी गई हैं वो आपने यूज नहीं करनी, बल्कि यहाँ पर मैंने आपको मेंशन की है वैल्यूज। 11.5 जो प्रोग्राम है उसमें आपने दो वेरिएबल एंटर करवाने हैं जिसमें आपने वैल्यू स्टोर करवानी है 20 एंड 25, ये मैंने आपको वैल्यूज दी हैं, बुक पर वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट है 11.6 जो प्रोग्राम है उसमें आपने जो वैल्यू एंटर करवानी है वो है 60, और नेक्स्ट जो 11.7 प्रोग्राम है उसमें आपने एंटर करना है 2007। ये आप लोगों ने सॉल्व करना है खुद से, कोई इश्यू हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना है, और फिर इसकी पिक्स मुझे सेंड करनी है।